नहीं, जब औरत खुद को एक मर्द को सौंप देती है तो फिर उसके किए हुए हर फैसले पर आंखें बंद करके चलती है, एतराज नहीं करती। कह रही थी अब बहू आ जाएगी तो कुछ फिक्र कम हो जाए। तो बेटा फिर मैंने भी ये सोचा कि ये कराची शहर है, एक बड़ा शहर है, बड़े बड़े खानदान यहाँ रहते हैं, हो सकता है इसको भी कोई लड़का मिल जाए, है ना? तो मम्मा को लेके घर चले जाओ, मैं खुद ही टैक्सी में आ जाऊंगी। अरे क्यों टैक्सी से चली जाएगी भाई, है राजन छोड़ के आएगा तो हमारे घर की इज्जत है, टैक्सी से चली जाएगी, चल शाबाश। लो भाई तुम्हारा तो घर आ गया। अच्छा अम्मा खुदा हाफिज। अच्छा राजिम अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ध्यान से जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। जी अम्मा। ऐसे माँ एक बार घर में कितना सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा कैसा, माशाल्लाह तेरी दोनों बहनें भी आई गई, शाहीन आ जाइए अल्लाह रखे माशाल्लाह। लेकिन अम्मा ये घाटे का सौदा है, दो गई हैं तो सिर्फ एक ही आएगी। खैर से वो जो एक आएगी ना माशाल्लाह घर में रौनक ले आएगी, तीन चार साल में देखना कैसी रौनक हो जाएगी। भाई आस्ताना रजी में मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए, भाई मेरा तो दिल चाहता है मेरे चारों तरफ मेरा पोता पोती खेल रहा, मैं उनको कहानियां सुनाऊं, उनसे बातें करूं, लाड करूं। बड़ा शौक है भाई मेरा। आपके पास खुले पैसे हैं तो इसको 5 रुपए दे दो प्लीज। ठीक है तो मुझे 5,000 रुपए दो, मैं गजल को 5 रुपए दे दूंगी। अच्छा चले कोई मसला नहीं, आप लोग यहाँ खड़े हैं मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। अहमद अगर तुम्हें मेरे ही कमरे में सोना था तो ब्लाउज इतना खर्चा करवाया। अम्मी आप इसकी साइड क्यों ले रही हैं, बुड्ढे पेट की तरफ ही झुकते हैं, मैं तो अपनी बेटियों का ही साथ दूंगी। वो आप तो मेरा साथ दें। बेटा तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी दो बहनें हैं, मेरी तो 6-6 बहनें थी और उनके साथ कितनी मामूजात चचाजात और कितनी जात। तुम ऐसा करो मुकमा कर लो पीछे चलो, देखो वो कह रहे तो कुछ ना कुछ करिए। ठीक है बेटा 8 ही। नहीं 5,000 नहीं 10,000 मुझे चाहिए। 10,000 तो है भी नहीं, मुझे नहीं पता आपका रास्ता नहीं मिलेगा। अरे बेटा ले लो ये आप।
नकाब रुख से उठा था। बहुत अंधेरा है, हो गया उजाला। अरे ऐसा वैसा हो जाए, 14 तबक रोशन हो गए। हसीन चेहरे पर नजर पड़ता है तो अब तो ये 14 तबक सारी जिंदगी यूं ही रोशन रहेंगे ना, क्योंकि ये हसीन चेहरा आपका हो गया है हमेशा हमेशा के लिए। इस हसीन चेहरे को अपना कर जितनी खुशी मुझे हुई उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। आतिफ तो फिर इस खुशी को गवाह बनाकर एक वादा करें। कैसा वादा? आतिफ मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत धोखे खाए, बहुत परेशानियां झेली हैं। मुझसे वादा करें आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। मैं चाहूंगी तो ऐसा नहीं कर सकूंगा। वो तुम्हारा खूंखार और जालिम भाई है ना टीपू, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपके भाई बहुत बदल गए। पहले उनके साथ बैठते थे तो डर लगता था, मगर अब उनके साथ बैठो तो जिंदगी मज़ीद खूबसूरत होने का एहसास होता है। बहुत बदल गए वो। आज जिंदगी कितनी खूबसूरत है राजन। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है कि तुम सपनों के ओट में थे, चांद की तरह जिसको देखा तो जा सकता है लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या क्या ठीक नहीं कर रहे? तुम्हें बस अपनी और अपनी बहनों की फिक्र है, मेरे और आफिया के बारे में तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मैं कब तक आखिर एक कमरे के मकान में रहती रहूँगी और वहीं सुबह उठ के चाय और पापे का नाश्ता करूँगी। तो तुमको क्या मुश्किल है भाई? लड़की हो, जब चाहो उठो और पराठे बना के खा लिया करो। जनाब अपनी अकेली जात के लिए कब हिम्मत होती है कि आप ही सुबह उठे और उठ के अपने लिए पराठे बनाए? तो फिर चंद दिन और सब्र कर, फिर मेरे लिए और अम्मी के लिए पराठे बना, ठीक? ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन अब ये चांद मेरे आंगन में उतरने वाला है। वो शाही क्या हो गया है तुम्हें, कितनी रोमांटिक होती जा रही हो। ओह मेरे खुदाया। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो क्या? हम
मम्मा खैरियत से घर आ जाएगी, भाई मुझे कोई आएगा, मैं बता रही हूँ ना, चुप हो जाओ। कैसी है? मुझे मेरे राजम से मिलवा दो, खुदा के वास्ते मुझे मेरे राजम से मिलवा दो। अम्मा आप कैसी हैं? अरे मुझे छोड़ो, मेरा बच्चा कैसा? आप अम्मा वो बराबर वाले कमरे में, वो भी जख्मी है आपकी तरह। अम्मा मुझे बराबर वाले कमरे में ले चला, मैं आप बहुत जख्मी है, अभी आपको आराम की जरूरत है। मैं देखूंगी जरूर अपने बेटे को, मिलूंगी जरूर एकदम। देखो तुम डॉक्टर साहब को बता दो मैं कितनी मजबूत औरत हूँ, मैंने बड़ी बड़ी परेशानियां झेली, बड़े दुख सहे मैंने, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं जिंदा उसी तरह हूँ, मुझे मेरे राजम से मिला दे बस, मुझे मेरे राजम से मिलवा दो एक दफा, मेरे बच्चे से मिलवा दो, मेरे बच्चे। मौजूदाती तौर पर ये खातून बच गई हैं, दो चार रोज़ में हम इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, अभी इन्हें कल रात के सदमे का शौक है। हाँ बेटे की मौत, अब आप लोगों को इन्हें सहारा देना पड़ेगा। शाहीन तुम कहाँ जाओगी? मैं अपने घर जा रही। नहीं आतिफ, हम शाहीन को अकेले नहीं जाने दे सकते। क्या मतलब? मतलब ठीक है इरम, फिर शाहीन को हम अपने साथ लिए चलते हैं। चलो शाहीन। कहाँ? हमारे घर, हमारे साथ, क्योंकि इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं आतिफ, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँ, अब मेरी हालत वैसे हो रही है कि सारी जिंदगी कब तक तुम लोगों के साथ, कब तक पहुँच पाओ? शाहीन मेरी बात सुन, मैं मानती हूँ कि तुम एक मजबूत लड़की हो, लेकिन शाहीन तुम्हें अभी मेरे साथ जाना है, अपने लिए नहीं मेरे लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है शाहीन। चलो मेरे साथ। चलो शाहीन, शाबाश, जिद नहीं करते, गाड़ी में बैठ।
और मैंने अहद कर लिया कि जब तक इन दोनों लड़कियों को मैं घर से निकाल नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ओ, हम इतने बुरे लगते हैं तुमको भाई? और क्या, जब बहनें जवान हो जाएं और भाइयों के घर पे बैठी रोटियां तोड़ती रहें तो भाइयों को बुरा ही लगता है। तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो अब हो गया है ना कि पहले लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, फिर नौकरियां करती हैं और फिर जहेज जमा करती हैं, और जब तक वो लोग शादी का इरादा करती हैं उस वक्त तक उन लोगों की उम्रें निकल चुकी होती हैं। लेकिन शाहिन, इरम और सदफ की उम्रें इतनी ज्यादा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों की बिल्कुल ठीक वक्त पे शादी हो रही है। बस अल्लाह मियां इन लोगों के नसीब अच्छे करे। बेशक, ये तो बस अल्लाह का करम। ये ले, सूप पी ले। गजल, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। भाभी, ऐसे कैसे चलेगा? 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। देखिए, अम्मी ने खास तौर पे आपके लिए सूप बनाया है, उनकी खातिर थोड़ा सा पी लें। चले, मैं आपको पिलाती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि अहमर कहाँ है? आप भाई हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? मुझे बताए बगैर अकेले चले गए? आपको नींद की गोली खिला के सुलाया था, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अम्मा की तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है, कुछ दिनों में वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। लेकिन वो अब रहेंगी कहाँ? मुझे तो हैरत इस शाहीन पे हो रही है, कितनी बेगैरत बन के हमारे घर में पड़ी हुई है। ये भी नहीं सोचती कि घर में 2 मर्द हैं और खुद जवान है, खूबसूरत है। बस मैं आपसे कह रही हूँ, आप आतिफ से बात कीजिए, बहुत हो गया, अब सोयम हो चुका है, बहुत हो चुकी खातिरदारी। उनसे कहिए जाकर छोड़ कर आए उनको घर। पहाड़ खोलने थोड़ी चाय बनाने गई। और वैसे भी मैंने उसे बहाने से बाहर भेजा है। तो मैं बताती हूँ, मैं वादा करती थी बड़ी से बड़ी खबर भी चुप करके सुन लूं। बस तुझे इतना बता दे मेरे राजीव कैसे। सपनों की ओर